सभी सेलेब्स को स्पॉट किया जा रहा है बीच पर टू क्लीन इट अप। कुछ ही देर पहले देखा गया टेलीविजन एक्ट्रेस टीना दत्ता को भी नजर आए गुड इनिशिएटिव का पार्ट बनती और साथ ही अपने सभी फैंस को भी इंस्पायर करती टू क्लीन अप सिटीज आफ्टर द फेस्टिवल्स ओवर। वेरी ऑनेस्ट विथ यू, सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बट साथ ही साथ मुझे बहुत गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। गुस्सा इस बात का आता है कि लोग थोड़ा माइंडफुल क्यों नहीं हो पाते। यू नो, जब मैं सुबह इधर आ भी रही थी तभी मैं बोल रही थी कि इतना कचरा हम इंसान ही पैदा करते हैं, पता है, और फिर नेक्स्ट डे हम में से ही कोई जो सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर दी एनवायरनमेंट और हम ही जाके उसको क्लीन करते हैं। बीच पे या समुंदर पे या ऐसी जगह पे यू नो ये करना है, विसर्जन देना है, तो आप बीच पे इतने बड़े पूल बनाइए ना, 7 फीट 8 फीट 10 फीट 20 फीट का पूल बना दीजिए, मैनमेड पूल जिसमें आप विसर्जन दे सकते हो, एंड बैंड कर दो कि इको फ्रेंडली गणपति के बिना कुछ और गणपति बनेगा ही नहीं। यू नो, वो समुंदर की चीज़ें आपके घर तक नहीं आते हैं ना, तो आप अपने घर की चीज़ें समुंदर में क्यों फेंक रहे हो? दैट इज़ नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट इज़ नॉट योर टेरिटरी। सो थोड़ा सा अगर आप माइंडफुलनेस रख सकते हैं, थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं नेचर से, बिकॉज इसी नेचर में आपको रहना है और आप चले जाएंगे तो आपके बच्चों को ये यूज़ करना है। सो इफ़ ग्लोबल वार्मिंग इज शूटिंग अप, यू नो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब हम लोगों की वजह से ही हो रहा है, भगवान ही कर रहे ऊपर से। सो लिटिल माइंडफुलनेस विल बी ग्रेट।